एक्सरसाइज 5.2 में हम बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि जब काल्पियरसन था तो बाउली पड़े ही क्यों? तो जहां काल्पियरसन फेल हो जाता है वहां बाउली शुरू होता है। काल्पियरसन कहाँ फेल होता है? तो जब हम मीन नहीं निकाल सकते हैं, जैसे ओपन एंड क्लासेस में मीन नहीं निकल सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल सकता, तो वहां पर बाउलीज कोफिशिएंट यूज करते हैं। एक और रीजन है, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझाता हूँ। मुंबई की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, से फॉर एग्जाम्पल 25% ऑफ द पीपल अर्न लेस देन 20,000 पर मंथ, तो Q1 हो जाता है 20,000 इस डेटा का। मान लो मैं कहता हूं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज 50% अर्न लेस देन 50,000 पर मंथ, तो इसका मतलब मीडियन 50,000 हो गया। अब मैं कहता हूं से 75% ऑफ द पीपल अर्न लेस देन 1 लाख रुपीज पर मंथ एवरेज, Q3 हो गया 1 लाख। अब आप देखिए यहां पर द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड मीडियन इज मच मोर देन द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड Q1, राइट? यहां पर डिफरेंस जो है 50,000 रुपए का है, मतलब रिच बहुत रिच है बॉम्बे में और पुअर बहुत पुअर है बॉम्बे में। तो जहां पर स्क्यूनेस ज्यादा होती है वहां पर भी हम बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और स्क्यूनेस निकालते हैं। एक तो जहां पर काल्पियरसन फेल हो जाता है, दूसरा जहां पर डेटा में स्क्यूनेस ज्यादा होती है वहां बाउलीज मेथड यूज होता है। फॉर्मूलाज हैं Q3 + Q1 - 2 मीडियन, ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे इज इक्वल टू Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन Q3 - Q1। शॉर्ट सम में एक फॉर्मूला यूज होता है Q3 - मीडियन - मीडियन - Q1 अपॉन सेम Q3 - मीडियन ब्रैकेट में +मीडियन - Q1। ये फॉर्मूला मदर फॉर्मूला है इसका, राइट? हम डेरिवेटिव पार्ट पे नहीं जाएंगे। असम नाउ डेटा दे रखी है एज और नंबर ऑफ यंगस्टर्स के बारे में। डेटा अरेंज नहीं है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा छोटे से बड़ा। याद रहे पोजिशनल एवरेज है ये, मीडियन क्वार्टाइल्स पोजीशंस पर बेस्ड होते हैं, तो डेटा को अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले 17 और 4, उसके बाद 18 और 11, उसके बाद 20 एंड 19, राइट? देन 22 एंड 9, देन 23 एंड 8, राइट? देन 25 एंड 22। ज्यादा एक्स आई एंड एफ आई एम अरेंज, ये मेरा एक्स आई है और ये फ्रीक्वेंसी है, इनको अरेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट विल बी 26, उसकी फ्रीक्वेंसी 7, एंड 28, उसकी फ्रीक्वेंसी 3। अब हम सम स्टार्ट कर सकते हैं, टोटल करेंगे इट विल बी 83। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आपको पता है। पहला सेम लिखते हैं 4, अब 4 + 11 15, 15 + 19 34, 34 + 9 43, 43 + 8 51, 51 + 22 73, 73 + 7 80 एंड 83। और ये वाला 83 और ये वाला मैच होना चाहिए। Q3, Q1 और मीडियन निकालना है हमें। सबसे पहले हम Q1 निकालते हैं। अब डेटा हमें XI और FI के फॉर्म में दे रखा है। Q1 के दो ही फॉर्मूलाज हैं, यहाँ वैल्यू ऑफ एन एल प्लस, तो हम वैल्यू ऑफ लगाएंगे। फॉर्मूला लिखेंगे वैल्यू ऑफ N+1/4th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ, नाउ कैलकुलेटर ऑन करें, 83 टाइप करें, प्लस दबाएं बटन 1/4 इज इक्वल टू का बटन दबाएं, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 21 नजर आएगा। तो 21st ऑब्जर्वेशन। अब 21 CF में किधर क्रॉस हो रहा है? इधर क्रॉस हो रहा है ना? तो 34 मत लिख देना, Q1 34 नहीं है, Q1 है इसके सामने वाला XI, तो इसके सामने वाला XI है 20 ईयर्स। फिर Q3 वैल्यू ऑफ या एल प्लस, तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ लगेगा, डेटा जो है XI और FI के फॉर्म में है। वैल्यू ऑफ 3 N+1/4th ऑब्जर्वेशन। अब लॉजिकली 21 को (3) कर दोगे तो भी चलेगा, तो यू विल गेट 63, राइट? अब 63 को CF में ढूंढो कहाँ क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ क्रॉस हो रहा है, राइट? तो ये नहीं है Q3, Q3 है हमारा 25, करेक्ट? सो Q3 इज 25 ईयर्स।
ऐसे ही आप अब मीडियन निकालेंगे वैल्यू ऑफ एल प्लस, तो डेफिनेटली वील गो फॉर वैल्यू ऑफ एन प्लस वन बाय ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन। नाउ 83 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, 42nd ऑब्जर्वेशन, 42 क्रॉस हो रहा है इधर, तो मीडियन 43 नहीं है, मीडियन है 22, सो मीडियन इज 22 ईयर्स। जे इज इक्वल्स टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू मीडियन अपॉन क्यू थ्री माइनस क्यू वन। क्यू थ्री इज 25 जो आपने अभी अभी निकाला, राइट? क्यू वन इज 20 एंड टू मीडियन। क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू मीडियन, 2 × 22 अपॉन 25 माइनस 20। कैलकुलेशन ऑन करें, मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे, फटाक से सीधा आंसर। कैलकुलेटर ऑन करो, 25 टाइप करो, माइनस का बटन दबाओ, 20 और एम प्लस, राइट? अब 22 टाइप करो, इनटू का बटन दबाओ, टू, फिर ये वाला प्लस माइनस दबाओ, फिर प्लस का बटन दबाओ, ये वाला 25, फिर प्लस 20 डिवाइड बाय एम आर सी इज इक्वल टू, एंड यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। सो दीज आर द ट्रिक्स टू कैलकुलेट द आंसर्स डायरेक्टली। ये सेल्फ लर्निंग का है, इसी लाइक डेटा देखो बड़े से छोटे पे जा रही है, तो आपको खुद अरेंज करके करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इस समय खास बात क्या है? आप देखो सारी डेटा लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन है, मतलब ये हमें क्लासेस नहीं दे रखे, हमें क्लासेस बनाने पड़ेंगे। ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ऐसा आपने चैप्टर टू में भी पढ़ा है, चैप्टर थ्री में भी पढ़ा है, राइट? क्लासेस बनाने पड़ेंगे। अब लेस देन 100, करेक्ट? तो लेस देन 100 लिखिए, फिर क्या करेंगे पता है ना? 100 से 300, फिर 300 टू 500, फिर 500 टू 700, 700 टू 900, 900 टू 1100 एंड 1100 टू 1300 फ्रीक्वेंसी। अब लेस देन 100 में जीरो है, लेस देन 100 में यहां पर क्या लिखना चाहिए? परफेक्ट, जीरो सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब बड़े में से छोटा माइनस, 6 माइनस 0 6, 16 माइनस 6 10, 19 माइनस 16 3, 23 माइनस 19 4, 27 माइनस 23 4, 31 माइनस 27 इज 4 एंड द टोटल हैज टू बी 31, डेफिनेटली द लास्ट वन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, पहले जीरो, राइट? फिर +6, फिर +10, फिर +3। यू नो दिस, लाइक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने क्वार्टाइल्स पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, ये और ये सेम होना चाहिए। अब क्लासेस दे रखा है तो फॉर्मूला लगेगा एल प्लस, राइट? तो एल प्लस इन ब्रैकेट्स एन बाय फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। अब एन बाय फोर, 31 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर ऑन करें, 7.75, 7.75 सी एफ में किधर क्रॉस हो रहा है? 7.75 इधर क्रॉस हो रहा है, अग्रीड? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बॉक्स बनाएंगे, राइट? अब क्यू वन इज इक्वल टू लोअर लिमिट, नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट? परफेक्ट, 300 एन बाय फोर, 7.75, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, ऊपर वाला देख रहा है, राइट? फ्रीक्वेंसी 10 इंटू क्लास लेंथ, क्लास लेंथ कैसे आता है? 500 माइनस 300, राइट? 500 माइनस 300 व्हिच इज 200। अब कैलकुलेशन ऑन करें, 7.75 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 200 प्लस 300 इज इक्वल टू, एंड यू गेट द आंसर 335 लाख रुपीज, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो लाख रुपीज में है। ऐसे ही आप अभी क्यू थ्री निकालेंगे, क्यू थ्री इज इक्वल्स टू अब वैल्यू ऑफ यहाँ एल प्लस, तो एल प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, एल प्लस इन ब्रैकेट्स 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, करेक्ट? 3n/4 तो 31 × 3/4 करेंगे कैलकुलस पे, तो 23.25 आएगा, 31 क्योंकि एन 31 है, इंटू 3 / 4, तो ये रिजल्ट आएगा कैलकुलेटर पे। अब
23.25 क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, 23.25 है इसीलिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बॉक्स बना लिए, लोअर लिमिट तो 900 लिखेंगे, 3n/4 विच इज 23.25 माइनस सी एफ, ऊपर वाला देख रहा है, अपॉन 4 इंटू क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कैसे आएगी, 200, बिल्कुल सही, 1100 माइनस 900 का सोचा है तो कैलकुलेट करें, 23.25 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 200 प्लस 900 इज इक्वल टू 912.5 लाख रुपीज। ऐसे ही आप मीडियन निकालेंगे, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी एन बाय टू विच इज 31 डिवाइड बाय टू इज 15.5। नाउ 15.5 क्रॉस कहाँ हो रहा है, यहाँ पर करेक्ट, तीन बॉक्स बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी मिस्टेक नहीं होगी, लोअर लिमिट 300 ब्रैकेट में 15.5 माइनस 6 अपॉन 10। फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम क्लास के लिए जाती है, ये आपको पता है, क्लास लेंथ 200 नाउ 490 लाख रुपीज। अब हमें निकालना है स्क्यूनेस, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, Q3 आपने कंप्यूट किया 912.5, Q1 335, 2 मीडियन, सो इट्स वेरी सिंपल, कैलकुलेट ऑन करें, 90 इंटू 2 फिर ये माइनस का प्लस 912.5 प्लस 335 इज इक्वल टू, अब ये यूनिट फ्री नहीं है, यहाँ पे लाख रुपये आएगा। ओके, स्क्यूनेस में यूनिट लगेगा, जे में यूनिट नहीं लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में यूनिट नहीं लगेगा, क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू मीडियन अपॉन क्यू थ्री माइनस क्यू वन। क्यू थ्री आपने कंप्यूट किया 912.5 प्लस 335 माइनस 2 इंटू 490 अपॉन 912 विच इज क्यू थ्री माइनस क्यू वन विच इज 335। कैलकुलेट ऑन करें, ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 912.5 टाइप करो, माइनस का बटन, 335 फिर एम प्लस का बटन, अब 490 टाइप करो, इंटू का बटन 2 फिर ये वाला माइनस, फिर प्लस 912.5 प्लस 335 डिवाइडेड बाय एम आर सी इज इक्वल टू। तो इस ट्रिक से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं और कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस, तो टाइप ऑफ स्क्यूनेस में आप लिखोगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब ये सम आप खुद करेंगे, राइट, यहां पर भी लेस देन दे रखा है, पहले क्लासेस बनाएंगे और फिर करेंगे, इसमें ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सम इंक्लूसिव क्लास बनाना है, ठीक है, क्लास लेंथ ऑफ 10 फॉर द फर्स्ट वन, तो ये हिंट दे रहा हूं, बहुत ही जोरदार सम है, खुद करो। और ये जरूर होगा, ट्राई करो, लाइक इट्स अ गुड सम, राइट, नहीं होता है यू लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल शेयर द वीडियो, राइट। चलो वी आर गोइंग फॉर बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन एक्सरसाइज 5.2, ये ओपन एंड क्लास है, ओपन एंड क्लास में एक्चुअली मीन नहीं निकल सकता, स्टैंडर्ड डिविजन भी नहीं निकल सकता, राइट, तो इसीलिए तो बावली का जन्म हुआ है, वन ऑफ द रीजन इज दैट। टोटल दे रखा है 400, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं पता है, 30 फिर प्लस 70 प्लस 125 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 15 एंड टैली करेंगे तो सेम आना चाहिए। प्लीज आप खुद पहले कंप्यूट करें Q1 Q3 और फिर वीडियो देखें। ओके, अज्यूम करते हैं आपने पॉज करके खुद किया है, अब आप वीडियो देख रहे हैं, सॉल्यूशन Q1 L प्लस एन बाय फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, एन बाय फोर आपने निकाला 100, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट, लोअर लिमिट आप लेंगे 20, एन बाय फोर इज 100 माइनस सी एफ विच इज ऊपर वाला देख रहा है 30, राइट, महेश वाला बॉक्स, फ्रीक्वेंसी विष्णु वाला बॉक्स, क्लास लेंथ 20, राइट, और ब्रह्मा जी वाले बॉक्स में तो आंसर आना चाहिए, ये पता है ना, राइट, 40, तो इसमें ही होगा 40, इसीलिए। चलिए अब आपने Q3 निकाला, L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, लोअर लिमिट
50 लेंगे जब आप लोअर लिमिट लेंगे, राइट? 300 यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, करेक्ट? ये आपने कर लिया है, इट इज अज्यूम्ड 68.75 थाउजेंड टन्स, 1,000 टन्स यहाँ से आया, करेक्ट? अब मीडियन निकाला, एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, राइट? लोअर लिमिट 40, 200 माइनस 100 अपॉन 125 इंटू क्लास लेंथ इज 10, मीडियन इज 48,000 टन्स। अब स्क्यूनेस, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, Q3 68.75 प्लस Q1 40 माइनस 2 इंटू 48, कैलकुलेशन ऑन करें, 48 टाइप करें, इंटू का बटन दबाएं, 2, फिर ये वाला प्लस माइनस, फिर प्लस ये वाला 68.75 प्लस 40 इज इक्वल टू, स्क्यूनेस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं आएगा। जे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, तो ये वैल्यूज आपने पुट करी, कैलकुलेशन ऑन करें, 68.75 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, फिर 40, फिर एम प्लस का बटन दबाएं, अब 48 टाइप करें, इंटू का बटन दबाएं, 2, फिर ये वाला प्लस माइनस, फिर प्लस 68.75, फिर प्लस 40, फिर डिवाइड बाय एम आर सी इज इक्वल टू, एंड डायरेक्टली आंसर। क्योंकि टाइप ऑफ स्क्यूनेस पूछ रहा है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर माइनस में आता तो नेगेटिव स्क्यूनेस। ये सेम ओपन एंड क्लासेस हैं, सेल्फ लर्निंग का है, आप खुद करेंगे, राइट? अब इसमें हमें क्लासेस दे रखे हैं और क्लास लेंथ 2 का है, राइट? फिर यहाँ पर बी टू का है, इट्स वेरी बेसिक सम, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। टोटल इज 264, हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय पावलीज मेथड कह रहा है, राइट? पहले सी एफ निकालेंगे, 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 29 प्लस 52 प्लस 80 प्लस 32 प्लस 23 प्लस 17 एंड 1, एंड दिस हैज टू बी सेम, राइट? अब Q1 का फॉर्मूला, एल प्लस इन ब्रैकेट्स एन बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, एन बाय 4 दैट इज 264 डिवाइडेड बाय 4 इज 66, 66 ढूंढें सी एफ में किधर क्रॉस हो रहा है, राइट? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बॉक्स बनाएंगे, लोअर लिमिट 18 लेंगे, एन बाय 4 66 माइनस 59 अपॉन 52 इंटू क्लास लेंथ इज 2, एंड यू विल वर्क आउट 18.27 थाउजेंड रुपीज, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1,000 रुपीज है, राइट? ऐसे ही आप Q3 कंप्यूट करेंगे, करेक्ट? विच इज वेरी सिंपल, नॉट अ बिग डील, 22.44 थाउजेंड रुपीज। नाउ यू विल कंप्यूट मीडियन, एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, एन बाय टू इज 132, 132 यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, करेक्ट? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बॉक्स बनाएंगे, लोअर लिमिट इज 20, 132 माइनस 111 डिवाइडेड बाई 80 इंटू क्लास लेंथ इज 2, सो 20.525 थाउजेंड रुपीज। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है फाइंड आउट जे, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, 22.44 प्लस 18.27 माइनस 2 इंटू 20.525 अपॉन 22.4 माइनस 18.27, कैलकुलेशन ऑन करें, 22.44 माइनस 18.27, एम प्लस फिर दबाएं, फिर 20.525 टाइप करें, इंटू का बटन दबाएं, 2, फिर ये वाला प्लस माइनस का बटन दबाएं, फिर प्लस का बटन दबाएं, ये वाला 22.44 प्लस 18.27 डिवाइडेड बाय एम आर सी इज इक्वल टू, एंड यू गेट नेगेटिव। अब पूछ नहीं रहा है टाइप ऑफ स्क्यूनेस, लिख देने का नेगेटिव स्क्यूनेस, खुद ट्राई करेंगे, एंड होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इसमें लोअर लिमिट ध्यान से लेना, विश यू गुड लक।